भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने को लेकर अब लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। लहंगा लसलस कर रहा था कि जिस तरह की कामयाबी है उसे लेकर लोग बहुत बोल रहे हैं कि इसे ऐड लगाकर इतना व्यूज़ बनाया गया है। भले भाई जो भी कुछ हो, लेकिन एक व्यूज़ एक रिकॉर्ड तो बन ही गया है, एक दिन में 12 मिलियन का रिकॉर्ड। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर काजल राघवानी ने पावर स्टार को दी है बहुत ढेर सारी बधाई। आपको ये भी बता देते हैं कि काजल राघवानी कल लाइव आई थी। लाइव आने के बाद उनके लाइव में कुछ पवन सिंह के फैंस जुड़े और उन्होंने कहा, किसी ने कमेंट किया है पवन जी के गाने के बारे में कुछ बोले। पवन जी का गाना जो कि आई थिंक सबसे बड़ा ये हैट्रिक था है कि 24 आवर्स में 10 मिलियन प्लस हुआ है। सो मैं तो उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और हमारे रत्नाकर सर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। एंड पवन जी, नीलम जो कि न्यू एंट्री हमारी इंडस्ट्री में कर रही हैं और काफ़ी अच्छा वो कर रही है। सो वेलकम नीलम एंड पवन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सॉन्ग है और शूट एक्चुअली बहुत प्यारा हुआ है वो। सो बहुत अच्छा है, आप सबने भी सुना होगा। साथ ही नीलम गिरी को भी उन्होंने वेलकम किया है। रत्नाकर कुमार को जो कि वर्ल्ड वाइड के मालिक हैं उनको भी वेलकम कहा है, उनको भी बहुत सारी बधाइयां दी हैं। नीलम गिरी और पवन के फ्रेश पेयर को लेकर भी काजल राघवानी ने कहा है कि बहुत ही अच्छा पेयर लग रहा है इन दोनों का साथ में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक ये जो बहुत यूज़ रिकॉर्ड बना है उसे लेकर कंट्रोवर्सी बहुत तेज़ हो रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। सभी ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का जो ये गाना है वो ऐड लगाकर इतना आया है, अदरवाइज़ इस गाने की रिच इतनी नहीं थी। तो भाई हम आपको बता दें, चाहे ऐड लग के आया हो चाहे जैसे आया हो, एक रिकॉर्ड बना है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। ऐड लगाना कोई गलत बात नहीं होती है, कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता या कोई भी नहीं सकता कि एक गलत बात होती है। तो भाई जो रिकॉर्ड बना है उसे एंजॉय कीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में सभी साथ दीजिए। साथ ही आपको ये बता दें कि काजल राघवानी के इस बयान के बाद खेसारी के फैंस पूरी तरह से झल्ला उठे हैं काजल राघवानी पर और उन्हें बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई किसी से दुश्मनी रखता है किसी से। काजल राघवानी और पवन सिंह की बहुत अच्छी बॉन्ड है, ये दोनों एक साथ कई फिल्में कर चुके हैं, तो इस लिहाजे को स्टार के नाते और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के कर्ता धर्ता रत्नाकर कुमार के लिए काजल राघवानी ने ये सारी ब्लेसिंग दी हैं, सारी बधाइयां दी हैं। तो बी पॉजिटिव किसी भी खबर को लेकर इतना तूल बनाना सही नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।